अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अवैस अहमद एंड यू आर वाचिंग हाईस्टैक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में। हम देखेंगे डोमेन एंड होस्टिंग में क्या फ़र्क है और आपको डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से परचेज़ करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन के बारे में। इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में जो डोमेन है वो एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे यूज़ करके आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल www.facebook.com, its.com, इट कैन बी एनी थिंग। जैसे आप YouTube देखते हैं YouTube.com, तो आप इस डोमेन को एक्सेस करते हैं या यूज़ करते हैं अपने वेब ब्राउज़र में और देन इन रिटर्न आप उस वेबसाइट को देख रहे होते हैं। हमारे पास एक सैम्पल डोमेन है hightech.com। डोमेन के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट जो आपका बिजनेस नेम होता है जो कि कुछ भी हो सकता है, और दूसरा है एक्सटेंशन जिस तरह .com। .com एक्सटेंशन है या इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, जिसे हम TLD भी कहते हैं। TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन। आपका डोमेन का नेम कुछ भी हो सकता है लेकिन जो एक्सटेंशन है वो आपके पास जो ऑप्शंस है सिर्फ आप उन्हीं में से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्हें हम टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। तो हमारे पास .com, .org, .net, .edu, .gov ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या फिर अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक कंट्री से रिलेटेड डोमेन परचेज करना चाह रहे हैं या एक्सटेंशन परचेज करना चाह रहे हैं, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स के लिए .us, यूनाइटेड किंगडम के लिए .uk, और अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं .pk। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप foodpanda.pk को देखें तो .pk का मतलब यह है पाकिस्तान में रन हो रहा है ये बिज़नेस, ये पाकिस्तान में वेबसाइट है। वेल, आप सोच रहे होंगे कि आपको .pk डोमेन लेनी चाहिए या कोई और। वेल, इट्स अप टू यू। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने कौन सी डोमेन लेनी है, लेकिन मोस्टली पीपल .com वगैरह परचेज कर रहे होते हैं तो यू कैन गो विद इट। आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक सर्वर स्पेस चाहिए होगी जो कि 24/7 अवेलेबल हो, तो इसे हम कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि एक सर्वर स्पेस होती है जो 24/7 एक्सेसिबल हो, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की फाइल्स, कोई डाटा या कोई भी कंटेंट रख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई यूज़र अपने वेब ब्राउज़र से आपकी डोमेन को सर्च करता है तो वेब ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो सर्वर को जाती है। अब सर्वर उस रिक्वेस्ट के बेस पे जो नेसेसरी फाइल्स हैं वो रिट्रीव करता है और यूज़र के वेब ब्राउज़र पे वो फाइल्स को या फ्रंट एंड को या वेबसाइट को शो कर देता है। अब अगर मैं समराइज करूँ तो डोमेन जो है वो आपकी वेबसाइट का एड्रेस या नेम होता है, जबकि जो होस्टिंग है वो एक स्टोरेज है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की फाइल्स को होस्ट कर सकते हैं या कोई भी डाटा वगैरह को होस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कहाँ से करनी चाहिए। डोमेन जो परचेज करनी होती है वो एटलीस्ट 1 साल के लिए होती है, उससे कम के लिए आप डोमेन परचेज नहीं करते। तो डोमेन की जो यूजुअल प्राइस है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप $9 की डोमेन परचेज़ करते हैं तो रिन्यू जो प्राइस है, मतलब जो आप आफ्टर 1 ईयर दोबारा प्राइस पे करेंगे, वो इससे थोड़ी ऊपर हो सकती है, जैसे $14। मैं जो रिकमेंड करता हूँ डोमेन आप परचेज़ करें नेम चीप से। और अगर होस्टिंग की बात करें तो आप नेम चीप से ही होस्टिंग भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन एक मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा, आप जहाँ से मर्जी डोमेन परचेज़ करते हैं मेक श्योर आप उनके कॉन्टैक्ट सपोर्ट से बात कर लें या कोई ऑनलाइन चेक कर लें, कोई कूपन वेबसाइट्स वगैरह, वहाँ से आपको प्रोमो कोड या कूपन कोड मिल जाता है जिसको आप यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आई होप आपको डोमेन एंड होस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और इसके परचेजिंग से रिलेटेड भी जो आपके क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके होंगे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।